वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आपको जो सिचुएशंस दे दी गई हैं, इन सिचुएशंस को सबसे पहले आपको एलजेब्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। यानी हमें सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है, फिर हमें देखना है कि क्या यहाँ पे कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है। सोल्यूशंस हम लोग जान चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि इनमें किस तरह का सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है। यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं या नो सोल्यूशन है, सबसे पहले हम उसको देख लेंगे। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है तब फिर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से, जो कि यहाँ पे बाउंडेशन दिया गया है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का क्या फॉर्म होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होता है। तो हम मान लेंगे लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर लिए, x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। अब दो वेरिएबल्स कर लिए हैं, हमें इक्वेशंस मिल जाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? आप देखें, फर्स्ट कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक जोड़ते हैं न्यूमरेटर में और एक सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से, तो हमारी फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाती है 1 में, यानी फ्रैक्शन 1 में बदल जाती है। आप देखें, पहली कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करा रहे हैं, ये हमारी फ्रैक्शन है x अपॉन y। क्वेश्चन कह रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में एड जोड़ते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शन हमारी 1 बन जाती है। ये हमारी पहली इक्वेशन है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। वेरिएबल सेपरेट कर लें, x माइनस y इक्वल टू माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन की बात करें। देखिए, सेकेंड कंडीशन में फिर से क्या कहा जा रहा है? सेकेंड कंडीशन बोल रही है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन है इसके सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाता है, तो ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। आप लोग समझ गए होंगे, फ्रैक्शन है x अपॉन y, केवल डिनोमिनेटर 1 जोड़ दिया तो x अपॉन y प्लस 1 हो गई, ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2x इक्वल टू y प्लस 1, सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने दोनों इक्वेशंस बना ली। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है। आप देखें, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करें, तो a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू माइनस 1 है, या a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू माइनस 1 है। यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हमें मिल रहा है। a1 अपॉन a2 हम कर रहे हैं 1/2 मिल रहा है, b1 अपॉन b2 कर रहे हैं तो -1 अपॉन -1 इक्वल टू 1 मिल रहा है। सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। जब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है तो इसका मतलब अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और किस मेथड से सॉल्व करना है वो दे दिया गया, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड हम लोग जानते हैं कि दो इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। y वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जहाँ पे कोफिशिएंट 1 और 1 है, यानी -1 -1 भी कह सकते हैं। हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करते हैं। यहाँ पे हमें y के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम मिल गए, इसका मतलब हमें दोनों इक्वेशंस को जोड़ के या घटा के इस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब ये दोनों सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, 1 + 1-, तो हमें ऐड करना होता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस 2x हमें माइनस x मिल जाएगा, माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 एंड माइनस 1 हमें माइनस 3 मिल जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। x की वैल्यू निकालने के बाद अब हमें y की वैल्यू निकालना है, जिसके लिए हम फ्री हैं। हम किन्हीं भी इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रिप्लेस करेंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस y इक्वल टू माइनस 2 है हमारे पास,
x इक्वल टू 3 रिप्लेस किया, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री, तो y इक्वल टू 5 हमें मिल गया। यहाँ पे अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन बताना है, केवल x और y की वैल्यू निकालना हमारा मकसद नहीं है, आपको फ्रैक्शन बताना है कि क्या फ्रैक्शन है। हम लोग फ्रैक्शन बताएंगे, फ्रैक्शन हमने मानी थी एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बता दीजिए, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, यानी 3/5, ये हमारी फ्रैक्शन है, ये सोल्यूशन है। अब आपको चेक करना है कि जो आंसर निकला है ये पूरी तरह सही है या गलत है। इसके लिए भी हम देखिए कंडीशंस को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। पहली कंडीशन कही जा रही है कि आपकी एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में एक जोड़ दो और डिनोमिनेटर में एक घटा दो तो ये फ्रैक्शन 1 बन जाती है, 1 बन चुकी है आप देखें। सेकेंड कंडीशन है कि इस फ्रैक्शन में केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें तो ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है, इसको भी हमने देख लिया। जैसे ही डिनोमिनेटर 1 जोड़ा फ्रैक्शन 3/6 मिली, इसको सिंपल फॉर्म में 1/2 हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मीन्स हमारा जो आंसर है 100% करेक्ट है। सेकेंड रोमन पार्ट में कहा गया है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, दो लोग हैं नूरी है और सोनू है, इनकी एजेस में हमें कंपेरिजन करना है। फर्स्ट कंडीशन है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी सोनू की एज की 3 गुना थी। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल बाद नूरी सोनू की एज की 2 गुना हो जाएगी। हमें दोनों की प्रेजेंट एजेस बताना है, तो दो वेरिएबल्स हमें कंसिडर करना है। लेट एक्स एंड वाई आर द एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू, हमने मान लिया कि नूरी की एज एक्स है, सोनू की एज वाई है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, फर्स्ट कंडीशन में आ जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है 5 years ago, यानी जो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन है ये 5 years पहले की बात है। 5 years ago देखिए, अभी नूरी की एज एक्स है, सोनू की एज वाई है, 5 साल पहले नूरी की एज हो जाएगी x माइनस 5 एंड सोनू की एज y माइनस 5। हमने दोनों की एजेस से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 5 साल पहले की बात है। अब कहा नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी सोनू की एज की 3 गुना है। 3 गुना का मतलब है कि अगर हम सोनू की एज को 3 गुना कर दें तो ये एज नूरी की एज के बराबर हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए आपकी एज 27 है, किसी दूसरे बच्चे की एज 9 है, बोल दिया गया कि आपकी एज उसकी एज की 3 गुना है। जैसे ही आप 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 27 हो गया। अब दोनों एजेस को हम बराबर लिख सकते हैं, वही हमने किया है, नूरी की एज को 3 × सोनू की एज के बराबर लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, सो एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए हैं, कांस्टेंट टर्म राइट साइड भेज दिए हैं, पहली कंडीशन हमें मिल गई। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। आप देखें कि सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया। अब हम लोग 10 साल बाद की बात करें, देखिए अभी नूरी की एज है x और सोनू की एज है वाई, 10 साल बाद नूरी की एज होगी x प्लस 10 और सोनू की एज होगी y प्लस 10। क्या कहा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल बाद नूरी सोनू की एज की 2 गुनी होगी, तो अगर हम सोनू की एज में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये नूरी की एज के बराबर हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करें, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 और हमें मिल जाएगी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिल रही है 1, b1 अपॉन b2 की वैल्यू मिल रही है 3/2, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने लिखी पहली इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और दूसरी इक्वेशन लिखी x माइनस 2y इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ भी x और यहाँ भी x दोनों पॉजिटिव मिल रहे हैं, इनको एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस सारे साइन बदल जाएंगे, x x कैंसिल हो गया, 3y एंड प्लस 2y सिर्फ माइनस y बचा, माइनस 10 एंड माइनस 10 माइनस 20, इसका मतलब y की वैल्यू मिल गई 20।
y की वैल्यू 20 मिल गई, अब x की वैल्यू निकालना है। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 में y की जगह पे 20 रख रहे हैं, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, सो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, इसका मतलब x की वैल्यू मिल गई 50। अब हमें बता देना है कि नूरी की एज और सोनू की एज क्या है। x हमने नूरी की एज मानी थी, y सोनू की एज मानी थी, सो नूरी इज एज 50 इयर्स और सोनू की एज हम बता देंगे 20 इयर्स। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर में चेक करना है सही है या गलत है। देखिए फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए, नूरी की एज हमने निकाली है 50 और सोनू की एज निकाली 20। पहली कंडीशन है 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले नूरी होगी 45 साल की और सोनू होगा 15 साल का। आप देखिए 15 + 3 = 45, 15 × 3 = 45, ये 3 गुना है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन कहा गया 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, दोनों में जब हम 10-10 जोड़ेंगे तो नूरी 60 की हो जाएगी, सोनू 30 का हो जाएगा। उस केस में नूरी की एज सोनू की एज की 2 गुना होगी, यानी हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन पाया है नूरी की एज 50 इयर्स, सोनू की एज 20 इयर्स, ये पूरी तरह से सही है।